हेलो एवरीवन, आज है 23 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक एनबीएफसी शेयर एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग जो काफी सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है। हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट यहां पर आई थी, लेकिन धीरे धीरे शेयर रिकवर करने की अभी कोशिश कर रहा है। 67 रुपीज के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और हल्की सी गिरावट फ्राइडे को यहाँ पर देखने को हमें मिली भी थी। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि एलएनटी फाइनेंस के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग का शेयर अभी 67 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 8% का ग्रोथ है। 59 रुपीज तक का लो था। आप देखिए, कंटिन्यूअस शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ा था, 68 रुपीज के आसपास पहुंचा, लेकिन फ्राइडे को एक हल्की सी गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली है। पिछले 1 साल की बात करें तो 1 साल में 29% की गिरावट है। अब देखिए, 131 रुपए का इसने हाई बनाया था पेंडेमिक से पहले, और जब पेंडेमिक आया, कोविड आया, तो इतनी भयंकर गिरावट है कि 48 रुपीज तक ये शेयर टूट गया था। फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, और फिर अभी गिरावट आई, और उससे वापस तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम देखिए तो मार्केट जरूर पेंडेमिक के बाद एक बढ़िया रिकवर हुआ है, लेकिन अभी भी एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग के शेयर में उतनी बढ़िया रिकवरी देखने को नहीं मिली है। अब देखिए, जो वी शेप रिकवरी हम कहते हैं वो अभी भी देखने को नहीं मिली है। अभी भी शेयर काफी स्लो मूव कर रहा है, यहाँ पर बहुत ही धीमी गति से ऊपर जा रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि शेयर धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊपर जा रहा है। ये एक पॉजिटिव संकेत हम कह सकते हैं। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में 60% की गिरावट है। 211 रुपए का इसने हाई बनाया था, उससे बाद अगर हम देखें तो शेयर में कंटिन्यूअस गिरावट बनी है। बीच बीच में अगर तेजी भी आई थी तो उससे कई ज्यादा बड़ी गिरावट आ गई, फिर तेजी आई, और अब तो कोरोना के चलते हालत और ज्यादा खराब हो गई। लेकिन अभी भी रिकवरी आनी बाकी है एलएनटी फाइनेंस में। अभी भी शेयर में रिकवरी नहीं आई है जैसी आनी चाहिए। मिड कैप शेयर है ये, 13,875 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 63.72% की होल्डिंग है, एफआईआर के पास 9.37% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.77% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.22% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईआर ने अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है, लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को अच्छी खासी बढ़ाई है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर मैं प्रमोटर को आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो काफी बड़ा नाम है एलएनटी लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। 63.72% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास देखने को मिल रही है, और एक भी प्रमोटर का शेयर गिरवी नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। 12 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपना पैसा लगाया है, 103 एफआईआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.95% है। देखिए, छोटा शेयर है, डिविडेंड भी पे कर रहा है, 9% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 90 पैसे का डिविडेंड इसने पे किया है, और वो भी इसी साल मार्च महीने में इस डिविडेंड को इस कंपनी ने पे किया है। एलएनटी फाइनेंस की मैं बात करूं तो शेयर की टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है, अभी भी शेयर में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि थोड़ा हाई पी पर पहुंच चुका है, थोड़ा नहीं, ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं, 32 के आसपास का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 29 के आसपास है। बुक वैल्यू 39 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.73 है, ईपीएस 2.11 है, और डिलीवरीज 27 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं, मतलब 90% लोगों का यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉजिटिव व्यू है, जबकि 10% लोगों का यहाँ पर नेगेटिव व्यू भी है। उनका मानना है कि अब यहाँ पर बिकवाली करना ही एक सही डिसीजन होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो इनके नतीजे आए थे क्वार्टरली जून के, वो उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उतने बुरे भी नहीं थे। 150 करोड़ के हम कह सकते हैं कि 150 करोड़ के आसपास का इनको मुनाफा हुआ था, जो हालांकि अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो काफी कम आपको लगेंगे, क्योंकि तो पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो वो 385 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल 550 करोड़ के आसपास का मुनाफा देखने को मिला था। तो उसकी कंपेरिजन में अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट जरूर कम है, लेकिन पेंडेमिक का दौर था, थोड़ी सी गिरावट तो आनी तय थी ही थी, लेकिन फिर भी अगर हम कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट इन्होंने जरूर कमाया है, इतनी भी बुरे हालात नहीं है।
यहाँ पर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग की, जैसे कि मैंने कहा कि प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग की गिराई, ज्यादा बड़ी होल्डिंग प्रमोटर ने यहाँ पर नहीं गिराई है। 63.91% की होल्डिंग 63.72% देखने को मिली है, एक भी प्रमोटर का शेयर गिरवी नहीं है। FIS ने अपनी होल्डिंग को गिराया है, 11.39% की होल्डिंग 9.37% के आसपास देखने को मिली है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे अच्छी बात अगर यहाँ पर है तो वो यह है कि इंश्योरेंस कंपनी ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर खरीदी है। पहले 0% की जो होल्डिंग थी आज वो 3.22% तक पहुंच चुकी है इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग, लेकिन म्यूचुअल फंड की 2.45% की होल्डिंग 0.56% रही, बाद में इंक्रीज होकर 0.77% तक भी हमें देखने को मिल चुकी है। L&T फाइनेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि ये वो इस शेयर में अभी तक ऐसी रिकवरी नहीं आई है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। अब देखिए ₹131 से शेयर गिरा है और ₹48 तक पहुंचा था, तो जिस तरीके की ऐसी थोड़ी बहुत भी रिकवरी होनी चाहिए वो नहीं हुई है। काफी स्लो मूव कर रहा है ये शेयर, लेकिन हाँ धीरे धीरे ऊपर मूव कर रहा है, तो अभी भी मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ी रिकवरी आनी बाकी है। अभी भी शेयर में एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है, तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हो तो जरूर आप कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। बट शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका जो नजरिया है वो कम से कम 1-1.5 साल का यहाँ पर होना चाहिए। 1-1.5 साल का अगर आपका नजरिया हो तो ही आप यहाँ पर निवेश करें, क्योंकि देखिए स्लो मूव करेगा लेकिन आपको धीरे धीरे ये शेयर इस तरीके से ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। L&T का एक बहुत बड़ा बैकबोन है, फंडामेंटल्स भी अगर हम देखें तो काफी बेटर है इस कंपनी के, और धीरे धीरे कोविड के केसेस भले अभी बढ़ रहे लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी, और NBFCs के लिए आने वाले दिनों में RBI और अच्छे थोड़ी हेल्प भी आने वाले दिनों में कर सकती है। ओवरऑल मैं कहूँ तो जरूर आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आपका नजरिया कम से कम 1-1.5 साल का होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती भी मत करिएगा। तेजी के बाद गिरावट आएगी, गिरावट के बाद तेजी आएगी। आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि ₹48 के आसपास शेयर था, तेजी आई थी यहाँ पर ₹65 तक पहुंचा, वापस गिरावट आई ₹50 तक पहुंच गया, वापस तेजी आई ₹70 तक शेयर चला गया, ₹71 तक गया था, वापस गिरावट आई ₹60 से भी नीचे शेयर चला गया, और अब वापस तेजी आई है, शेयर ₹67 तक आपको देखने को मिला है। हो सकता है कि यहाँ पर यहाँ से ₹70 तक पहुंच जाए, वापस गिरावट शुरू हो ₹65 तक आ जाए, वापस तेजी शुरू हो ₹75 तक आ जाए, तो इस तरीके से आपको मूव करता हुआ ये शेयर देखने को मिलेगा। तो एक साथ एक ही प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हो तो पहले 20 शेयर ही खरीदो, फिर वेट करो। अगर गिरावट आती है तो और 20 क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो, और गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो, और कम से कम यहाँ से 1-1.5 साल का प्लान लेके चलिए। जरूर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पर कमाने को मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म का टारगेट मेरा ₹75 के आसपास का है, और लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको ₹85 से ₹90 आराम से ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इसी यहाँ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और L&T फाइनेंस होल्डिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।